अस्सलामुअलैकुम, हमारा टीवी के साथ मैं हूं समरा नूर। शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइन। साबिक वजीर दिफा परवेज फटक ने कहा है कि इनका तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों में से किसी से कोई राबता नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियों की टेलीफोनिक गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग और ऑडियो लीक्स पर अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब कर ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा और सियासतदान फवाद चौधरी ने कहा है कि पीडीएम हुकूमत को खुलकर खेलने का मौका नहीं देंगे। 9 मई को गिरफ्तार कारकुनों को जेलों से निकालना हमारी जिम्मेदारी है। शहर काइक कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत ने मुसलसल दूसरी बार आवाम को बड़ा रिलीफ देते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा शहरयार आफरीदी की अदालती हुक्म के बावजूद दोबारा गिरफ्तारी पर कौमी अदालत की दरख्वास्त पर आईजी साहब को नोटिस जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निजी अफराद की टेलीफोनिक गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग और ऑडियो लीक्स पर अटॉर्नी जनरल से मामले तलब कर ली, जबकि 4 अदालती मामले भी मुकर्रर कर दिए गए। सऊदी अरब के हुकाम की जानब से रवां बरस हज के मौके पर आज़मीन हज की आमदोरफ के हवाले से सभी सहूलियात पर दे दी गई, जिसके लिए 24,000 बसें मुख्तस की गई, जबकि मुशाए मुकदसा में हरमीन ट्रेन की आजमाइशी सर्विस का आगाज भी कर दिया गया। जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने मलेशिया को शिकस्त देकर फाइनल में रसाई हासिल कर ली। पाकिस्तानी एनिमेटेड फिल्म अल्लायार एंड 100 फॉलोअर्स ऑफ गॉड का ट्रेलर जारी कर दिया गया। 3D एनिमेटेड फिल्म मेदुलाजा के मौके पर रिलीज की जा रही है। खबरों की तफसीलात से आपको आगाह करें, आपको बताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर परवेज़ खटक ने कहा है कि तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों में से किसी से कोई राबता नहीं, इमरान खान के बगैर सियासत नहीं। परवेज़ खटक का कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और हकीकी आज़ादी की तहरीक में हर मुश्किल में कप्तान के साथ हैं। खबर शामिल करें, आपको बताएं हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे को ऑडियो लीक्स पर खसूसी कमेटी में तलबी का समन जारी करने और तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस बाबर सितार ने 7 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए विफाकी हुकूमत, वज़ारते दाखला, वज़ारते दिफा और PTI को भी पटिशन में फरीक बनाने की हिदायत की। अदालत ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए पटिशन पर कमेंट्स जारी करने का हुक्म दिया, जबकि एहतजाज अहसन, मखदूम अली खान, मियाँ रजा रबानी और मोहसिन शाह नवाज रांझा को अदालती मावनीन मुकर्रर किया गया। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आइन और कानून शहरियों की कॉल्स की सर्विस और खुफिया रिकॉर्डिंग की इजाज़त देता है। अगर फोन कॉल रिकॉर्डिंग की इजाज़त है तो कौन सी अथॉरिटी, एजेंसी, किस मैकेनिज्म के तहत रिकॉर्डिंग की जा रही है? ऑडियो रिकॉर्डिंग को खुफिया रखने और इसका गलत इस्तेमाल रोकने के हवाले से क्या सेफगार्ड्स हैं? अगर इजाज़त नहीं तो शहरियों की प्राइवेसी के खिलाफ वर्जी पर कौन सी अथॉरिटी जिम्मेदार है? आगे बढ़े, आपको बताएं रावलपिंडी में इमरान इस्माइल के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क के 50 करोड़ आवाम को नवाज शरीफ, जरदारी और PDM में शामिल जमातों के सहारे पर नहीं छोड़ सकते। इनका कहना था कि इस हालात में इस हुकूमत की अपोजिशन को खाली नहीं छोड़ सकते और इनको खुलकर खेलने का मौका नहीं दे सकते। आज भी अपने नज़रिए के साथ खड़ा हूँ और मुल्क की बेहतरी के लिए किरदार अदा कर रहा हूँ। फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और मसाइल के हवाले से PTI के साबिक क़यादत से गुफ्तगू और मुज़ाकरात हुए। असद उमर से राबता हुआ, असद कैसर और परवेज़ खटक समेत सबसे राबता हुआ। तमाम क़यादत मुल्क को मसाइल से निकालने और मुस्तहकम पाकिस्तान की ख्वाहिशमंद है और उम्मीद है कि हम इसमें भी कामयाब हो जाएंगे। इन्होंने मज़ीद कहा कि हम मुल्क में सियासी इस्तेकाम के लिए अपनी सियासी कोशिशें जारी रखेंगे। मौजूदा सियासी और मौशी बहरान की वाहिद ज़िम्मेदार PDM है। अब पाकिस्तान को मुस्तकिल मुस्तहकम हल की तरफ जाना होगा, जिसके लिए शाह महमूद कुरैशी भी अपना किरदार अदा करें। आगे बढ़ें, आपको बताएं इस बार कराची सुपर हाईवे की बजाय मवेशी मंडी नॉर्दर्न बाईपास पर लगाई गई है। शहरियों को मंडी तक पहुंचाने के लिए जमाली पुल से तकरीबन 7 किलोमीटर के बाद ट्रैफिक साइन बोर्ड से बाएं जानब मुड़ना होगा, फिर 10 किलोमीटर मजीद फासला तय करना होगा। रास्ते में 8 मुकामात पर पुलिस की चौकियाँ कायम की गई हैं, जबकि रात में रोशनी का भी इंतजाम किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 40,000 से ज्यादा छोटे बड़े जानवर मंडी पहुँचा दिए गए हैं, जबकि खरीदार, फैमिलीज और शौकीन अफराद की आमद का सिलसिला भी। अहम खबर से आपको आगाह करें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी
कमी की तस्दीक वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने अपने वीडियो बयान में की। वफाकी वजीर खजाना ने कहा कि पिछले 15 दिन में आलमी मार्केटों में कीमतें कम नहीं हुई और ना ही डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर में कोई बेहतरी आई है। इसके बावजूद हमने अवाम के लिए फैसला किया है कि इनके लिए गुंजाइश निकाली जा सके। अवाम को हर मुमकिन रिलीफ की फराहमी के लिए कोशा हैं। इन्होंने कहा कि 1 जून से अगले 15 दिन के लिए डीजल की कीमत में 5 रुपये की कमी की जा रही है, जो 258 रुपये फी लीटर की कमी के बाद 253 रुपये फी लीटर हो गया है। पेट्रोल की कीमत 8 रुपये की कमी करके, जिसमें नई कीमत 270 रुपये से कम होकर 262 रुपये फी लीटर हो गई है। आगे बढ़े, आपको बताएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरयार आफरीदी को अदालती हुक्मनामे के बावजूद दोबारा गिरफ्तार करने पर तौहीनी अदालत की दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर समाप्त करते हुए जस्टिस अरबाब ताहिर ने आईजी इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिया। शहरयार आफरीदी के वकील ने कहा कि मेरे वक्कल को अदालती हुक्म के बावजूद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अदालत में भी पेश नहीं किया जा रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमती वकील को हदायत की कि अब तक अदालत क्यों पेश नहीं किया गया, कल तक जवाब दें। शहरयार आफरीदी के वकील शेर अफजल मरवत ने कहा कि आज हिदायत के साथ दरख्वास्त निमटा दें, कल मरकजी केस भी है। आपके हुक्म के बावजूद शहरयार आफरीदी को डेथ सेल में रखा गया, आपने डेथ सेल से निकालने का जुबानी हुक्म दिया था। जस्टिस अरबाब महमूद ने कहा कि यह कैसे हो सकता है, हमारे हुक्म की तामील ना की गई हो, तो इन अदालत का केस हम नहीं निपटा रहे, कल दोबारा समा। आगे बढ़े, आपको बताएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार ने साबिक चीफ जस्टिस के बेटे नजम साकिब को पार्लियामेंट की कमेटी का समन मुअत्तल करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत आलिया ने 7 सफात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में विफाक वजारत दाखिला, वजारत दिफा और PTI को भी फरीक बनाने की हिदायत की थी। अदालत ने तमाम फरीकैन को जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए 5 अदालती मुआवनीन भी मुकर्रर कर दिए, जिनमें अटॉर्नी जनरल समेत एहतजाज अहसन, मखदूम अली खान, रजा रबानी और मोहसिन शाहनवाज और रांझा शामिल हैं। अदालत आलिया ने मामले पर मुख्तलिफ सवालात भी उठाए। पूछा गया कि क्या आईन और कानून शहरियों की कॉल्स की खुफिया रिकॉर्डिंग की इजाज़त देता है, अगर इजाज़त देता है तो कौन सी अथॉरिटी किस मैकेनिज्म के तहत ऐसा कर सकती है कि ऐसी ऑडियोज रिकॉर्डिंग खुफिया रखने और इनका गलत इस्तेमाल रोकने के लिए क्या हिफाजती इंतजाम हैं। आर्मी खबरनामे से खबर शामिल करें, आपको बताएं COVID-19 के बाद 2 बरस बाद रमा बरस पाकिस्तान समेत दुनिया भर से लाखों आजमीन आज सऊदी अरब पहुंच रहे हैं, जिनको सफरी सहूलियात के लिए जहां हरमीन ट्रेन मक्का मुकरमा और मदीना मुनवरा के दरमियान सफरी सहूलत फराहम करेगी, वहीं मुशायरा मुकदसा में हरमीन ट्रेन 7 जुलहज से 13 जुलहज तक सफरी सहूलियात फराहम करेगी। आजमीन हज के लिए 17 ट्रेनें मुख्तस की गई हैं। ट्रेनें 9 स्टेशनों पर 2000 से ज्यादा आमदोरफ्त करेंगी। मुशायरा मुकदसा ट्रेन और स्टेशनों की जाँच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई है और इनकी आजमाइशी सर्विस शुरू की गई है, जबकि आजमीन हज के लिए 24,000 बसें भी मुख्तस की गई हैं, जबकि पाकिस्तान हज मिशन के मुताबिक अब तक 31,000 से जायद पाकिस्तानी आजमीन हज के लिए सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। खेलों की दुनिया से खबर शामिल करें, आपको बताएं अरब ममालिक ओमान के शहर सलासा में जारी जूनियर एशिया कप के दूसरे सेमीफाइनल मैच में पाकिस्तान ने मलेशिया को 2 के मुकाबले में 6 गोल से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान की जानब से पहला गोल 42वें मिनट में मोहम्मद सुफियान खान, दूसरा गोल 44वें मिनट में अब्दुलरहमान, तीसरा गोल 47वें मिनट में अब्दुल हनान शाहिद, चौथा गोल 28वें मिनट में अब्दुलरहमान, जबकि 5वां गोल 91वें मिनट में अब्दुलरहमान ने कर हैट्रिक मुकम्मल कर ली। 6ठा गोल 60 मिनट में अरबाब अहमद ने स्कोर किया। मलेशिया की जानब से दानिश और भरपू के गोल स्कोर किए। प्लेयर ऑफ द मैच अब्दुल रहमान करार पाए। शोबिस से खबर शामिल करें, आपको बताएं 2018 में पाकिस्तानी एनिमेटेड फिल्म द लेजेंड ऑफ मारखोर को नुमाइश के लिए पेश किया गया। ये फिल्म आलमी सतह पर पहली पाकिस्तानी एनिमेटेड फिल्म के तौर पर मुतारिफ हुई, जिसने कई अवार्ड्स हासिल किए। रैंकिंग में ये फिल्म 3 बरस तक ये पहली पाकिस्तानी फिल्म रही जो टॉप कर रही है, जिसके बाद नेटफ्लिक्स में स्ट्रीम होने वाली ये पाकिस्तानी पहली फिल्म थी। द लेजेंड ऑफ मारखोर की रिलीज के 5 साल बाद इस फिल्म का एक और स्क्योल अलायार्ड एंड 100 फॉलोअर्स ऑफ गोड को सिनेमाघरों में पेश किया जा रहा है। साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी अलायार की है, जो अपने सैयारे को माहौलियाती तब्दीली से बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। इस फिल्म को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में तैयार किया गया है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही, मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा टीवी।